खबर है अंबेडकर नगर से, जहां विकासखंड टांडा ग्राम सभा फरीदपुर कुतुब ग्राम दरियापुर का एक मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता मोहम्मद अरशद ने शिकायत करी है कि अपात्रों को आवास दिया जा रहा है। इसकी खबर प्रकाशित भी की गई थी। प्रकाशित होने के बाद भी ग्राम प्रधान को रास नहीं आई तो पहले शिकायतकर्ता के घर जाकर ग्राम प्रधान धमकी दिए और उसके बाद एप्लीकेशन वापस लेने की दबाव बनाई, वरना उसे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, यह भी कह डाला है। ऐसा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद की यह तिलमिलाहट आखिर प्रशासन को दिखेगी या फिर नहीं। संवाददाता ब्रजेश प्रजापति के साथ देखें रिपोर्ट। हम टांडा ब्लॉक के फरीदपुर कुतुब गांव में मौजूद हैं। यहां पे एक खबर चल रहा था मीडिया में, जो कि पीड़ित जो है आवास के लिए मांग किया था, परंतु प्रधान और सचिव के द्वारा उसको अपात्र कर दिया गया। और हम सीधे पीड़िता के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या मामला है, किस तरीके से इनका आवास काटा गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। किस प्रकार से आपको परेशान किया जा रहा है और क्या आपका मामला है, पूरा बताइए। मैं SDM की एप्लीकेशन लगाया था, जो पात्र लोग हैं उनको आवास नहीं मिल रहा, जो अपात्र लोग हैं उनको आवास दिया जा रहा है, और मेरे यहाँ पे प्रधान आके धमकी दे रहे थे कि अगर अब की बार कुछ लगाया तो जहाँ लेके चलूँगा वहाँ चलना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जवाब देना है वहाँ देना जवाब। और उसके बाद मेरे खिलाफ थाने में FIR लिखाए हुए हैं। प्रधान के द्वारा एक पीड़ित के द्वारा अपना आवास का मांग करने के बाद उसको उसके नाम झूठी मुकदमा कराया जा रहा है, इस तरीके से मनमानी किया जा रहा है प्रधान और सचिव के द्वारा, उसको अपना ही पात्र होने की वजह से।